मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 5,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले निलेश शेलकी द्वारा सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसमें सुसाइड नोट लिखा गया था। सूदखोरों में भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, भाजपा नेता रणदीप सिंह मक्कड़, विजय पटेल, अन्य दो के खिलाफ चिंतामन जवासिया पुलिस स्टेशन पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी। लगातार उज्जैन पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रिश्तेदारों के यहां जाकर दबिश दी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह द्वारा पांचों फरार आरोपी पर 5,000 रूपये प्रत्येक घोषित किया गया था। नीलगंगा पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी, उसी दौरान नीलगंगा पुलिस की टीम अचानक आरोपी विजय पटेल के निवास स्थान चोरेलिया महू पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी चिंतामन जवासिया का था, इस कारण नीलगंगा पुलिस ने आरोपी को चिंतामन पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गिरफ्तार आरोपी मऊ में यूनिक स्पोर्ट्स के नाम पर शॉप संचालित करता है, जो जनपद कॉम्प्लेक्स मऊ में स्थित है। उसके जीजा हाकम सिंह पटेल फ्रीगंज में यूनिक स्पोर्ट्स का संचालन करते हैं और वहीं से आरोपी कमल पटेल की दोस्ती फोटोग्राफर निलेश शेलके से हुई। उसके बाद लॉकडाउन खुलते ही 10,000 रूपये विजय पटेल ने फोटोग्राफर निलेश को दिए थे, जिसे नहीं चुकाने पर घर जाकर गुंडागर्दी करता था। ऐसे लोगों से परेशान होकर निलेश द्वारा आत्महत्या करने का कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका सब इंस्पेक्टर प्रवीण आर्य कनेश ने निभाई। अभी जो पिछले दिनों आत्महत्या की थी फोटोग्राफर नीलेश शेलके में, तो नीलेश शेलके मामले में 5 आरोपी थे, जिनमें विगत दिनों ही उन पर 5,000 प्रत्येक व्यक्ति पर 5,000 के नाम घोषित किया गया है। तो उन्हीं इसी मामले में विजय पटेल जो महू का निवासी है, तो उस पर टीम 2 दिनों से लगी हुई थी और कल रात को दबिश देकर उसको घर से ले आए हैं और इसमें सफलता मिली है और इसमें उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी आगे तथ्य आएंगे उसी आधार पे और भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भी आरोपी शेष हैं तो उनको पकड़ने के लिए भी टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें साइबर सेल नीलगंगा थाना और थाना चिंतामन तीनों की 3 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग उस पर एंगल पर जाँच कर रही हैं और जो भी तथ्य जैसे जैसे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। कौन कौन आरोपी फरार हैं? इसमें अभी दिग्विजय, रणदीप मक्कड़ और समीर आरोपी फरार हैं, एक और वो भी फरार है, उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी प्रवीण चौहान को लेकर थाना महाकाल में अपराध पंजीबद्ध हुआ है 306 का और उसमें सुसाइड नोट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके बाद जैसे जैसे घर वालों के बयान होंगे और भी तस्दीक आगे बढ़ेगी, यदि और भी कोई व्यक्ति सामने आता है या कुछ भी फैक्ट आते हैं तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।